चीज़ का, चाहे हम सामान बेच रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे सीधा सीधा जो हमारी इनकम आती है वो हमारी रेवेन्यू रिसीव्स कराती है। और इसी के साथ हम ये बताते हैं इसमें मेन चीज़ कौन कौन सी, एक तो आपकी नॉर्मल कोर्स की बिजनेस वो इनकम, नॉर्मल इनकम आपकी होगी, उसके अलावा आपकी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा जो आपकी सेल स्क्रैप है, स्क्रैप की सेल हो जाती है आपकी, और उसके अलावा कोई और छोटी मोटी चीज़ें उसको हम कहते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट, कि भाई ये उस मेन बिजनेस से हमारी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसके अलावा जो बच गई बाकी फिर हम क्या कहेंगे कि बाकी जो बच गई वो क्या हमारी, फिर भी ये कंसेप्ट मतलब मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा भी सकते इसको। तो चलिए मान लीजिए भाई आपकी जो भी है, जो भी एक्टिविटी है ये उसका पार्ट है, एग्जैक्टली वो सही है, तो हम मान लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इसको भी हम ये मान सकते हैं कि भाई जो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो हमने कमाया और जो खर्च किया उसका जो डिफरेंस बचा उस पैसे को हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और फिर हमारी उससे इनकम आ गई, इसलिए उसको पार्ट जी। बाकी कोई अगर यदि कोई जैसे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान जो भी हमारा स्क्रैप निकलता है या कोई और बद्दी वगैरह है, कुछ भी ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह है, इस तरह की जो चीज़ है उसको भी हम पार्ट मान लेते हैं, और बाकी जो सारी चीज़ें बच गई उसको फिर हम क्या मानते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल रिसीव्स एक्चुअल में कोई भी साथ इसके बारे में